गाइस अगेन हेशनशन, मैंने आपको हेशनशन के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं और आप अभी भी मैम के हेयर देख सकते हो। मैम के बालों में हमने स्मूथनिंग किया। स्मूथनिंग हमने क्यों किया मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आप स्ट्रिंशन लगवाते हो तो आपके बाल अगर स्ट्रेट होंगे तो आपको कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे स्ट्रिंशन है वो नॉर्मली स्ट्रेट नहीं होते, वेवी होते हैं, मतलब स्ट्रेट भी नहीं होते प्रॉपर, ना ही प्रॉपर कर्ली होते हैं। तो अगर वॉश आप एक ड्रायर करोगे नॉर्मल सा तो बिल्कुल आपको यही क्वालिटी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग स्ट्रिंशन कराना चाहते हैं वो पहले स्मूथनिंग केराटिन देन आप जाके स्ट्रिंशन कराओगे, तो एक तो क्वालिटी मैच करेगी आपकी, आपके हेयर की और स्ट्रिंशन की, क्योंकि आपके हेयर में बहुत किसी किसी के बहुत ओवर केमिकल भी हुआ होता है तो इस वजह से भी बिजनेस आती है। अगर आपके खुद के बालों में भी ड्राइनेस होगी तो वो स्ट्रिंशन को भी असर करेगी, क्योंकि आपके बाल ड्राई होंगे, कॉम करने में दिक्कत होगी तो स्ट्रिंशन को भी प्रॉब्लम होगा। मैंने आपको रिफिल के बारे में भी बताया हुआ है कि रिफिल मैं यही कहना चाहूंगी, केयर करोगे तो ही आपके स्ट्रिंशन बरकरार रहेंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। अगर आप कॉम नहीं करोगे, ढंग से शैम्पू कंडीशनर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो रिजल्ट मैं दिखाऊंगी, मैम के बालों में कोई पैच नहीं आया क्योंकि मैम की जो डेंसिटी है परफेक्ट है हेयर स्ट्रिंशन के लिए, क्योंकि मैम हैवी नहीं है। अगर मैम के बाल है वो हैवी नहीं है। अगर मैम के बाल हैवी होते तो पैच आता, अदरवाइज मैम के बालों में कोई पैच नहीं आएगा। मैं लगाने के बाद भी आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप सच में नहीं बता पाओगे कि मैम के हेयर कौन से हैं और हेयर स्ट्रिंशन कौन से हैं। सो गाइज देखते हैं, आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ उसके बाद बात करते हैं। सो रिजल्ट आप देख सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप कहोगे बहुत ही बोलती है तो मैं बोलना नहीं चाहती, सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ कि रिजल्ट आपके सामने है। आप जब भी स्ट्रिंशन कराते हो तो आपके यहाँ पैच नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बाल कम नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो काफी सारा स्ट्रिंशन लग जाते हैं, नीचे स्ट्रिंशन आते आते खत्म होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अब मैम ओपन करती है तो वो इक्वल लग रहे हैं, मैम के खुद के ओरिजिनल बाल लग रहे हैं। मैंने कई फोटोज में और पिक्चर्स में देखा है, काफी सारे लोग स्ट्रिंशन करा रहे हैं, यहाँ तो आप बाल लगवा लेते हो पर यहाँ पर आपको फिनिशिंग नहीं दिखती है। तो मैं गाइस यही कहूंगी, जहां से भी आप स्ट्रिंशन कराते हो यहाँ की फिनिशिंग जरूर देखिएगा। ये आपके लिए एक टिप है, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे पास नहीं आए, बहुत लोग हैं बहुत अच्छे स्ट्रिंशन कर रहे होंगे, बट आपके लिए तब अच्छा होगा जब आप नेचुरल लुक ले पाओगे हेयर स्ट्रिंशन को लगाने के बाद। अगर आपने हेयर स्ट्रिंशन लगाया आप रिजल्ट दिखाना ही चाहूंगी, आप बता नहीं सकते कि स्ट्रिंशन कहाँ से है और मैम के हेयर कहाँ से शुरू होते हैं। तो यही क्वालिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप स्ट्रिंशन कराते हैं पिक मुझे जरूर साइन कीजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ कहाँ से आपने स्ट्रिंशन कराए हैं, देन पैच है या नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर ओपन करते हो, अगर आप हेयर स्ट्रिंशन करा रहे हो, स्टाइलिंग भी कराना चाहोगे, पोनीटेल, जूड़ा, ओपन स्टाइलिंग, जब आपने लॉन्ग हेयर कराया है तो आप लॉन्ग ओपन ही रखना चाहोगे ना, बट मैम ओपन रख सकती है, कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि मैम की स्ट्रिंशन है। इतने बाल हैं और लोग लॉन्ग हेयर कराते हैं, पैच जरूर आता है। सो ये जो है फिनिशिंग का ही काम होता है और हमारे यहाँ फिनिशिंग बहुत मैटर रखती है। तो रिजल्ट आपके सामने है और आप देख सकते हो। आप देख सकते हो मैम पोनीटेल भी इजिली कर पा रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है पोनीटेल मैम की। सो आप देख सकते हो।